अगर आपने रिसेंटली एक आईफोन परचेस किया है या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है और आप एप्पल आईडी बनाना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एप्पल आईडी कैसे क्रिएट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी एप्पल डिवाइस में एप्पल आईडी को क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक जब आप अपने डिवाइस में सेटअप कर रहे होते हैं तब, और दूसरा जब आप सेटअप कर चुके होते हैं और आपको अकाउंट ऐड करनी होती है तब। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि एप्पल आईडी को कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं साइन इन टू योर आईफोन, तो मैं सिंपली इस पे टच करूंगा। अगर मेरे पास एप्पल आईडी होगी तो मैं यहाँ पे इनपुट करके नेक्स्ट करूंगा और उसके बाद फिर लॉगिन हो जाएगी वो। चूंकि हम इस वीडियो में एप्पल आईडी कैसे क्रिएट करें ये सीख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एप्पल आईडी नहीं है, तो उसके लिए हम टच करेंगे डोंट हैव एन एप्पल आईडी और फॉरगॉट इट। तो मैं इसको टच कर लूँगा। टच करने के बाद मुझे ऑप्शंस मिलेंगे क्रिएट एप्पल आईडी, फॉरगॉट एप्पल आईडी और कैंसिल। तो मुझे एप्पल आईडी क्रिएट करना है इसलिए मैं टच करूँगा क्रिएट एप्पल आईडी। क्रिएट एप्पल आईडी टच करने के बाद मुझे ऑप्शंस मिलेंगे फर्स्ट नेम फिल करने के लिए, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से फिलअप कर देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, लेकिन ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे इनपुट करिएगा, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के लिए कभी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, तो याद रहे इसलिए आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वही यहाँ पे इनपुट करें। इनपुट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे टैप करेंगे नेक्स्ट पे और वेट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे मुझे ईमेल एड्रेस फिलअप करने के लिए एक स्पेस मिला हुआ है फिल करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी ईमेल एड्रेस है, जैसे जीमेल का हो, आउटलुक का हो या फिर रेडिफमेल, कोई भी ईमेल आईडी हो आपके पास, तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो उसके लिए आपको सिंपली टैप करना होगा डू नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो क्या आप आईक्लाउड ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टैप करेंगे गेट एन आईक्लाउड ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से मनचाहे अपना ईमेल आईडी रख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ टाइप करूँगा avitechi@icloud.com और उसके बाद टैप करूँगा नेक्स्ट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे एक पॉपअप मिला जिसमें लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस टेकन। इसका मतलब ये है कि avitechi@icloud.com पहले से किसी ने लेकर रखा हुआ है, तो मैं ये ईमेल आईडी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, योर एप्पल आईडी कुड नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज avitechi@icloud.com इज नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज चूज अ न्यू वन। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक दूसरा ईमेल आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा नेम डालना पड़ेगा जो कि अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ avitechi236। अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ क्रिएट ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिला, मतलब कि ये जो ईमेल आईडी है avitechi236@icloud.com ये अवेलेबल है, किसी ने पहले से लेकर नहीं रखा, तो मैं इस पे आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से मनचाहा अपना ईमेल आईडी डालें और उसको चेक कर लें कि वो अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो सिंपली टैप करें क्रिएट ईमेल एड्रेस पे। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड फिल करने की ऑप्शन आएगी, जिसमें कि पहला है पासवर्ड और उसके बाद फिर है वेरीफाई पासवर्ड। मैं पासवर्ड इनपुट करने से पहले आपको बता दूं कि पासवर्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एप्पल की तरफ से फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैंडेटरी है वो है 8 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी कि आपका जो पासवर्ड होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक नंबर, एक अपर केस लेटर और एक लोअर केस लेटर होना आवश्यक है। तो चलिए मैं अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं उसके बाद पासवर्ड फिल करने के बाद आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, तब तक मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लिया है, पासवर्ड फील्ड में भी और वेरीफाई पासवर्ड फील्ड में भी फिल कर लिया है। अब मैं टैप करूँगा नेक्स्ट पे और नेक्स्ट करने के बाद वेट करता हूँ जब तक मेरा एप्पल आईडी क्रिएट हो। यहाँ पे एक पॉपअप आया जिसमें कि मेरा फ़ोन नंबर शो कर रहा है, जो कि सिम कार्ड मेरा इस फ़ोन में लगा हुआ है। ये वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है, मैं इस सिम कार्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ, इस नंबर को जो मेरा लगा हुआ है, या फिर यूज़ अ डिफरेंट नंबर भी कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे टच करूँगा
अगर आपका दूसरा फ़ोन नंबर है, आप दूसरा फ़ोन नंबर इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे टैप कर सकते हैं यूज़ डिफरेंट वन। अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेरे सामने है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, एप्पल आईडी की क्या क्या टर्म्स हैं और कंडीशंस हैं, आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आप अग्री पे टच करके एप्पल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली टच करूँगा अग्री पे, एक बार फिर मुझे अग्री करना होगा कंटिन्यू करने के लिए। देख सकते हैं कि साइन इन टू आई क्लाउड, मतलब कि मेरा जो एप्पल आईडी है वो क्रिएट हो रहा है। तो चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि एप्पल आईडी क्रिएट होने के बाद हमें क्या क्या करना और बाकी है। तो ये देखिए मेरा जो एप्पल आईडी है वो क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं avitechi236@icloud.com मेरा ईमेल आईडी हो गया, जो एप्पल आईडी का जो ईमेल हुआ वो हो गया मेरा। आई क्लाउड भी मेरा एक्टिव हो चुका है यहाँ पे। अब मैं फाइंड माई आईफोन भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मेरा पहले से इनेबल है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मेरा एप्पल आईडी पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल्स वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मेरा एप्पल आईडी क्रिएट हो चुका है, अब मैं ओपन करूँगा ऐप स्टोर। ऐप स्टोर ओपन करने के बाद आप पाएंगे कि मेरा जो ईमेल आईडी है या फिर आपने जो एप्पल आईडी क्रिएट किया वो यहाँ पे साइन इन है पहले से। तो अब आप जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, वो आप सिंपली यहाँ से सर्च करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लेता हूँ। फेसबुक सर्च करने के बाद मैं सिंपली गेट पे टच करूँगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं एप्पल आईडी का पासवर्ड डालने के लिए मुझे पूछा जाएगा, तो मैं फिल करूँगा और मेरा जो एप्लीकेशन है उसके बाद वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं इन सब स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपने आईफोन में एप्पल आईडी कैसे क्रिएट किया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी ऐप को परचेस करने या डाउनलोड करने में, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने फ़ोन में एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल @avitechi पे भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।